अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ पार्ट चैनल। सो वेलकम टू हैप्पी लाइफ पार्ट चैनल। और आज का ये वीडियो है स्पॉन्सर gearbest.com ने स्पॉन्सर किया है वीडियो। वेबसाइट है इनका, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो इनके वेबसाइट को। और जनाब हमें सेंड किया है ये प्रोडक्ट टीवी बॉक्स। तो मैंने इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन देखे थे वेबसाइट पर, सो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग किस्म का ये प्रोडक्ट लगा है। तो यार चलो यार, आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसका रिव्यू और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वही सब कुछ देखने वाले, अनबॉक्सिंग रिव्यू और क्वालिटी टेस्ट होगा इस वीडियो में टेस्टिंग। और चलो यार करते हैं शुरू आज के जबरदस्त वीडियो में। मैजिक सी N5 मैजिक बॉक्स, तो स्पेसिफिकेशन है इसके, CPU है इसका S905X quad-core 64 byte, और आपको मिल जाता है ग्राफिक कार्ड माली 450, DDR3 की 2GB वाली रैम और 16GB इसके इंटरनल स्टोरेज। UHD 4K वाले वीडियोस, मुख्तलिफ फॉर्मेट वाले वीडियोस चला सकते हो। दो USB पोर्ट हैं, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाले पावर सप्लाई अडाप्टर साथ में मिल जाता है। और जनाब इसका जो CPU है वो है S905X ML Logic, सो 4-कोर CPU है। आपको इसमें वाईफाई जो मिलता है 2.4G एंड 5G वाला मिलता है। 4K 3D डिस्प्ले है। आप इसके अलावा मुख्तलिफ फॉर्मेट वाले वीडियोस भी चला सकते हैं जो कि मुख्तलिफ फॉर्मेटेड में होते हैं। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं डब्बे को ओपन और देख लेते हैं कि ये जो डिवाइस है कैसी है दिखने में और क्या क्या साथ में मिल जाता है। काफ़ी स्मार्ट सी डिवाइस है। मेरे पास पहले जो थी वो काफ़ी मोटी थी, लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट है। और देखते हैं डब्बे में और क्या क्या है जनाब। तो ये रहा सबसे पहले HDMI केबल, HDMI 2 केबल है। और ये रहा इसका अडाप्टर, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाला अडाप्टर इसको पावर सप्लाई के लिए। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए ये रिमोट, जिस पर माउस भी है, और ये इसका बुक। तो क्वालिटी की बात की जाए तो पहले इसके रैपर को उतारते हैं और आवाज सुनो यार, तो बहुत ही मजे की आवाज थी यार। तो जनाब क्वालिटी की बात की जाए तो ये प्लास्टिक की बनी हुई डिवाइस है और सुपर फाइन क्वालिटी है, बहुत ही जबरदस्त है। मैजिक सी यार, वाकई मैजिक इसका, देखते हैं क्या मैजिक है। और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है क्योंकि मेरे पास जो थी वो थी 4K प्रो और काफ़ी मोटी और सुस्त किस्म की थी वो, लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट है। और कितनी स्मार्ट है ये तो मैं इसको यूज़ करके ही पता चलाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है SPDIF वीडियो आउट, लाइन इंटरनेट इनपुट, AV आउट और HD आउट, DC इनपुट, और यहाँ पर USB आपको पोर्ट मिलता है, SD कार्ड पोर्ट भी मिलता है, और एक और USB पोर्ट, यानी दो USB के पोर्ट हैं और एक SD का, जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हो आपके मेमोरी को। और आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी वीडियो फोटो देखना चाहो तो। और इसके अलावा फ्रंट पर आपको मिल जाता है एक छोटा सा LED वाली स्क्रीन, जो नज़र नहीं आ रही वो ऑन होने पर नज़र आती है। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ आपके LED LCD के साथ में कनेक्ट कैसे करना है। HDMI में कनेक्ट करो और TV के अंदर, और इधर भी HDMI में पोर्ट के अंदर कनेक्ट करो HDMI केबल जो साथ में मिलती है, और पावर इसको सप्लाई करो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाले अडाप्टर से। और यहाँ अपने TV से आपको सेलेक्ट कर लेना है HDMI का वो ऑप्शन जिसमें आपने पोर्ट में लगा रखा है, 1 या 2 या किस में, तो मैंने 1 में लगाया तो मैं 1 ही सेलेक्ट करूँगा। तो ये लीजिए जनाब, कनेक्ट हो गया है हमारा स्मार्ट डिवाइस जो कि है मैजिक सी। तो इसने अपना मैजिक दिखा दिया। तो जनाब यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, और सबसे पहले मैं तो इसका चेक करूँगा ना, वर्जियन एंड्रॉयड है 7.1.2 बेस्ट हो गया। तो इसमें जो हमें 2GB रैम मिल जाती है एक्सटर्नल, और इंटरनल जो स्टोरेज है वो है 10GB की, ठीक हो गया जनाब। तो काफ़ी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर सकेंगे। और क्या है यहाँ पर, ब्लूटूथ सर्च करें और कोई भी एक्सेसरीज कनेक्ट करें, नेटवर्क है, और इसमें बल्कि आप एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं जिससे यार आप यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकते हो अपने TV को स्मार्ट बना के। और वाईफाई कनेक्ट कर लो और जो दिल चाहे आप करो यार, जैसा मोबाइल में कंप्यूटर में करते हो सेम थिंग आपको आपके TV में मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड इन्होंने किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आपने अगर करने हैं तो आपको प्ले स्टोर यहाँ पर मिल जाता है, आप अपना वाईफाई कनेक्ट करो, अपना Gmail का ID लगाओ, प्ले स्टोर से जाओ और जो दिल चाहता है उसको डाउनलोड करो और इन्जॉय करो अपने स्मार्ट TV को, और भी ओवर स्मार्ट बना लो क्योंकि यार बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है और मैं तो इसको रेगुलर यूज़ करने का सोच भी लिया। ठीक है, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
तीर के सामने बने गोल निशान पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ वीडियो मुतालिक आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें।